आपके चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इन सर्दियों में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा टिप्स। सिर्फ इन दो कामों को करके आप पूरी सर्दियों में अपने चेहरे पर पा सकती हैं फेशियल जैसा ग्लो। जी हाँ, हर दिन आप पा सकती हैं फेशियल जैसा ग्लो। सिर्फ दो काम आपको करने हैं। तो आप लोगों के साथ मैं हूँ ज्ञान सुधा फ्रॉम गृह संगनी, और ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये दो टिप्स जिन्हें आप अप्लाई करके अपने चेहरे पर पा सकती हैं फेशियल ग्लो। इन दो चीज़ों में सबसे पहली जो है वो ये है कि आप अपने चेहरे को पूरे अच्छे से क्लीन कर लें, वॉश कर लें। अगर आप क्लिनजिंग यूज़ करते हैं तो क्लिनजिंग से क्लीन कर लें, या फिर अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लें। तो मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, और इसके बाद आपको जो पहला काम करना है वो ये कि हमें अपने चेहरे को स्टीम देना है। जी हाँ, तो मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है। मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, तो मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है, उसे ढक कर रखा था, और उससे मैं अपने चेहरे पे स्टीम लेने वाली हूँ। तो लगभग 5 मिनट आपको स्टीम लेना है, जिससे सिर्फ इस स्टीम से ही हमारा चेहरा काफ़ी हद तक साफ लगने लगता है, फ्रेश लगने लगता है, फ्लॉलेस लगने लगता है। तो इस स्टीम के बाद जो हमें करना है, हमारे जो भी छिद्र हैं वो सब सारे खुल जाते हैं और साफ़ होने लगते हैं, जो हमारे पोर्स हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कच्चा दूध और बेसन और हल्दी का पैक बनाकर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है उससे जो भी हमारे चेहरे पर सनटैन होते हैं और जो भी स्किन ड्राई होती है, साथ ही साथ जो स्किन के जो कलर होती है, जो डल हो चुकी रहती है, वो उसे भी साफ़ करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो स्किन टोन है उसे एक कलर में करने में भी बहुत ही हेल्प होता है। तो इसके लिए मैंने ये कच्चा दूध ले लिया है इस छोटी सी कटोरी में, और इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फेस के लिए 1 चम्मच बहुत है, और साथ ही इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी आपको हल्दी पाउडर डालना है। तो इन 3 चीज़ों को आप ऐड करके और अपने फेस पे लगा के आपको 15 मिनट सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद से जब आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो चेहरा काफ़ी हद तक साफ लगेगा, और ऐसा आपको इन सर्दियों में हर दिन करना है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, तो भी आपको अल्टरनेट डे करना ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट तभी मिलता है जब हम उसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारे हेल्थ से जुड़ी चीज़ हो, चाहे स्किन से जुड़ी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई से जुड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जब हम रेगुलर 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 करते हैं तो ही वो अपना बेहतर रिज़ल्ट दे पाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसन भी एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। बहुतों को शायद ये नहीं मालूम होगा, लेकिन आप अगर रेगुलर बेसिस पे अगर बेसन का पैक इस्तेमाल करती हैं तो आपके चेहरे पे जो भी झुर्रियां हैं वो काफ़ी हद तक आपको कम होती दिखाई देंगी, क्योंकि बेसन खुद में एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कच्चा दूध भी एंटी एजिंग का काम करता है, रंग निखारने के साथ साथ चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है, और साथ ही साथ एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है ये। और ये मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर दी, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हमेशा आसान और घरेलू चीज़ों को ही अपने टिप्स में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि आप आसानी से कर सकें, आपको कोई भी अलग से खर्चा ना करना पड़े, और वो चीज़ें आपके किचन से ही अवेलेबल हो जाएं, और उससे आपकी खूबसूरती भी बनी रहे, आपका समय भी बचे और आपके पैसे भी बचे। और फिर ये हमारा पैक रेडी हो चुका है, और इसे हम, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, और वरना आपके पास उंगलियां तो हैं ही, तो उंगलियों से पैक को आप लगा लें। इस पैक को आपको सूखने तक, पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है, जब हल्का हल्का ये पैक गीला रहे तभी आपको उतनी देर आपको रखना है। उसके बाद से आपको इसे हल्के हाथों से रब करके निकाल देना है, जिससे कि जो भी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। तो साथ ही साथ ये फेस पैक जो है आपका स्क्रब का भी काम कर देगा, क्योंकि हमने स्टीम लिया है तो हमारे जो भी स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो जो डेड स्किन है वो ईजिली रिमूव हो जाएगी।
आपको छोड़ देना है तब तक के लिए जब तक ये आधा से अधिक सूख ना जाए। जब ये हल्का हल्का गीला रहेगा तब हम इसे हल्के हाथों से रब करके निकाल देंगे। ये मैंने अपने चेहरे को पूरी अच्छे से वॉश कर लिया है और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है मैंने क्योंकि वॉश करने से मेरा जो लिप बाम था वो हट गया था, तो मैंने वापस से लिप बाम लगा लिया है। और आजकल का जो जो लिप बाम लेते हैं वो लिपस्टिक से कम नहीं होती है, तो मैंने वो यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना फेस। ये मैंने दूसरी बार इस्तेमाल किया है, मैंने आप लोगों के साथ इस बैग को और इस टिप्स को शेयर करने से पहले एक बार और लगाया था, मैंने कल एक बार और ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर इसे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है और अभी तक मैंने इसे दो बार इस्तेमाल किया है, एक बार कल किया था और एक बार आज किया मैं। इस बार की सर्दियों में आप इस टिप्स को ज़रूर अप्लाई करें। सिर्फ दो काम करने हैं आपको, पहला आपको स्टिम लेना है और दूसरा जो है वो ये है कि आपको पैक इस्तेमाल करना है। तो ऐसा करने से जब हमने पैक को रब किया तो जो भी हमारे डेड स्किन थे वो सारे निकल गए और वो स्क्रब का भी काम कर गया, तो जो भी स्किन थी ड्राई थी जो भी थी वो सब निकल चुकी है और हमारी ये फ्रेश स्किन है सामने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस टिप्स को शेयर किया है। तो आप भी इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टिप्स और आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर के किचन में ही अवेलेबल है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इन सर्दियों में अपने चेहरे का खास 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 ध्यान रखिएगा कि आपकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगी। और आप में से जो कोई भी मुझे पहली बार देख रहा है या मेरे साथ नया जुड़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।